मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि सही तथ्यों को अगर हम लोग रख पाएंगे तो मानवता की बड़ी अच्छी सेवा हो पाएगी, और खासतौर पर तब जब किसी संवेदनशील इश्यू को लेकर के हम लोग किसी मुद्दे को उठा रहे हों। ऑक्सीजन की कमी से मौत का मतलब एक जघन्य कृत्य, और मुझे लगता है कि हमारे जो मेडिकल एजुकेशन के डीजी हैं वे अभी भी गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में वे कल से कैंप कर रहे हैं और अभी गोरखपुर में रहेंगे भी। वहां पे कुछ कार्रवाई अभी की भी गई है और आगे भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन लोगों को किसी को भी बख्शने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 जुलाई को मैंने स्वयं बैठक ली थी और 9 अगस्त के लिए बैठक के लिए मैं स्पेशली बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गया था, जिसमें मेरे साथ स्वयं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी भी वहां पर थे। और उसके उपरांत उस बैठक में क्योंकि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लगभग 34 ऐसे जिले हैं जिनमें इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में उभरता है। 9 जुलाई को जब मैं गया था तो उस समय हम लोगों ने व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इंसेफ्लाइटिस, डेंगू या वेक्टर जनित ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए बेड आरक्षित हो और उनमें प्रॉपर व्यवस्था हो।